तो आज बात करते हैं कि रिएक्ट का इंटरव्यू अगर देने जा रहे हो तो वो कौन से थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं जो आपको समझ के जाने चाहिए। इतना ही नहीं, आपको इंग्लिश में इसके जवाब प्रिपेयर करके भी जाने चाहिए अच्छे से, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी इंटरव्यू में ऐसे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लेंगे जिसमें ये समझा जाएगा कि क्या आप रिएक्ट कोडिंग के अलावा रिएक्ट को समझते भी हो या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर रिएक्ट है क्या और ये बाकी के जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क से कैसे डिफरेंट है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसमें ये होती है कि आप बताओ कि रिएक्ट जो है वो फ्रेमवर्क है ही नहीं। रिएक्ट तो एक लाइब्रेरी है, उसकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, तो उन मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज है कि रिएक्ट एक वर्चुअल डॉम पे काम करता है। इसका मतलब है रिएक्ट डायरेक्टली जो है वो डॉम को अफेक्ट नहीं करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वो एक वर्चुअल डॉम पे काम करता है। दूसरी चीज है कि रिएक्ट व्यू ओरिएंटेड है। रिएक्ट इस बात को ध्यान देता है कि आपको क्या दिखाना है यूजर को और कैसे डेटा के थ्रू उस चीज को हम दिखा सके। तीसरी चीज यह है कि रिएक्ट यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो में बिलीव करता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि पहले कई सारे फ्रेमवर्क ऐसे थे जिसमें बाइडायरेक्शनल डेटा फ्लो था, इसमें ऐसा नहीं। इसमें जो डेटा है वो पेरेंट से चाइल्ड के तरफ फ्लो करती है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। और चौथी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लास्ट में बचा के रखी थी, वो है कि ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में बिलीव करता है। इसका क्या मतलब है कि रिएक्ट में आप छोटे छोटे रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं और उन कंपोनेंट्स को एक साथ स्टैक करके पूरा का पूरा पेज डिजाइन कर सकते हैं, पूरा का पूरा ऐप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबिलिटी है और ये जो कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट भी सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, उनके अंदर आप स्टेट रख सकते हो आराम से और स्टेट के थ्रू आप व्यू को मैनेज कर सकते हो। तो ये तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और रिवाइज करेंगे। पहली चीज है वर्चुअल डॉम, दूसरा है व्यू ओरिएंटेड, तीसरा यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो है और चौथा कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। ये चारों चीजें रिएक्ट को बहुत यूनिक बनाती हैं अपने टाइम के बाकी फ्रेमवर्क से। अभी के फ्रेमवर्क्स में, बाकी सारे फ्रेमवर्क्स में भी ये चीजें हैं, पर वो सब फ्रेमवर्क्स है, उनमें सब कुछ बना बनाया आता है, लाइब्रेरी नहीं है। रिएक्ट एज अ लाइब्रेरी आपको ये सुविधा देती है कि आप बाकी चीजें चूज कर सको और अपना स्टैक खुद बना सको। दूसरा क्वेश्चन कई बार ये आता है कि आखिर रिएक्ट का वर्चुअल डॉम है क्या। वर्चुअल डॉम सुनकर यही समझ में आता है कि वो एक झूठा, एक दूसरा डॉम है। डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसमें पूरा का पूरा ट्री रेंडर होता है, पूरा का पूरा व्यू ट्री रेंडर होता है। तो इस व्यू ट्री का एक कॉपी होता है रिएक्ट के पास, जिसको वो वर्चुअल डॉम बोलते हैं। और जब भी आप स्टेट में कोई चेंज करते हो, आप प्रॉप में कोई चेंज करते हो, कोई भी चेंज आता है जिससे व्यू को चेंज होना होता है, तो रिएक्ट पहले वो चेंज वर्चुअल डॉम पे करता है। वो देखता है कि क्या क्या चेंजेस, मिनिमल क्या चेंजेस जरूरी है करंट डॉम के ऊपर, और फिर बस वही चेंजेस करता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि ब्राउजर को, क्योंकि पूरा डॉम हर बार रीपेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो कम काम करना पड़ रहा है। तो रिएक्ट वर्चुअल डॉम के थ्रू ब्राउजर की मेहनत बचाता है। ब्राउजर की मेहनत बचाने का क्या फायदा होता है कि आपका ऐप फास्ट हो जाता है, वो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है और वो बहुत सीमलेस लगता है। ये काम करता है वर्चुअल डॉम। इसी का एक पार्ट बी क्वेश्चन आता है, जिसको कहते हैं रिकंसिलिएशन क्या है। रिकंसिलिएशन कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है कि आपके पास एक रियल डॉम है और एक वर्चुअल डॉम है। अब कुछ चेंजेस हुए हैं, तो रियल डॉम की कॉपी वर्चुअल डॉम रहता है पहले, अब नए चेंजेस से एक नया डॉम बन रहा है और इन दोनों के बीच में एक डिफिंग एल्गोरिथम चल रहा है। डिफिंग एल्गोरिथम क्या करता है? बताता है कि देखो, तुम्हारे पास ये पांच उंगलियां हैं, मेरे पास भी ये पांच उंगलियां हैं, अब स्टेट चेंज के कारण ये उंगली छोटी हो गई है, ठीक है, तो अब नया वाला स्टेट ऐसा दिखेगा। तो वर्चुअल डॉम बोलता है, अच्छा ये चीज को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी जो एक्चुअल डॉम है उसके ऊपर। तो ये जो पूरा एल्गोरिथम चला, जिसमें पहले ये दोनों उंगली मिलाई गई, फिर ये दोनों उंगली मिलाई गई, फिर ये दोनों उंगली मिलाई गई, फिर ये दोनों उंगली मिलाई गई और डिफरेंस पता चला, डिफिंग हुआ। तो ये जो डिफिंग होते हैं, इसी को रिकंसिलिएशन कहते हैं। पहले डिफिंग होता है, उसके बाद निकाला जाता है, ये वाला बस चेंज है डॉम में, इसको जाकर अपडेट कर दो, इसको कमिट भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग विस्तार से बात कर सकते हैं, एक एक्सप्लेनर वीडियो भी बना सकते हैं कि आखिर रिएक्ट का वर्चुअल डॉम कैसे काम करता है, क्या होता है फाइबर में। लेकिन इतना समझना बहुत जरूरी है कि रिकंसिलिएशन कुछ खास नहीं है। ये जो डिफिंग चल रही है, इस डिफिंग को हम रिकंसिलिएशन बोलते हैं वर्चुअल डॉम के थ्रू। अगला क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉप्स और स्टेट क्या है रिएक्ट में और डेटा कैसे फ्लो करता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने खूब सारे ऐप बनाए हैं तो आपको इनहेरेंटली ये समझ में आता है, पर बोलना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉप्स जो है वो रीड ओनली प्रॉपर्टीज हैं जो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ पास होती हैं, और जब भी प्रॉपर्टीज में, यानी कि प्रॉप्स में चेंज आता है तो चाइल्ड री रेंडर होता है। स्टेट जो है वो इंटरनल टू अ कंपोनेंट होता है ना,
उसमें जब आपको चेंज करते हो तो उस कंपोनेंट के अंदर चेंज आता है। हालांकि ये भी होता है कि आप स्टेट को भी एज अ प्रॉप पास करते हो अपने चिल्ड्रन को, जो कि बहुत ही कॉमन है, लेकिन इन दैट केस टू फॉर द चिल्ड्रन इट्स अ रीड ओनली प्रॉपर्टी ओनली, उसमें वो कोई चेंज नहीं कर सकता। उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो पेरेंट को ही करने हैं। तो अगर आपने ढेर सारे एप्स बनाए हैं तो आप इस फ्लो को भी विजुअलाइज कर सकते हो कि प्रॉप्स रीड ओनली होता है, पेरेंट से मिलता है या पेरेंट अपने चाइल्ड को देता है। तो प्रॉप्स और स्टेट ये है, डेटा अभी भी यूनिडायरेक्शनल है, टॉप टू बॉटम ही फ्लो कर रहा है। एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत कॉमन हो गया वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड रेंडरिंग एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग इन रिएक्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि रिएक्ट में आप जो पूरा का पूरा HTML है, जो आपका पूरा का पूरा मार्कअप है, उसको आप सर्वर साइड भी रेंडर कर सकते हो विदाउट कमिंग टू क्लाइंट। इवन दो द होल मार्कअप इज रिटन इन जावास्क्रिप्ट, आपको क्लाइंट आने की जरूरत नहीं है, आप Node.js के इंजन के थ्रू उसको सर्वर साइड भी रेंडर कर सकते हो। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है जिसके बारे में हमने बात की है Next.js वाले वीडियो में भी, कि SEO के लिए बेटर हो जाता है और फर्स्ट रेंडर जो होता है जिसमें आपको पूरा का पूरा विजुअल दिखता है वो काफी फास्ट होता है। ये बहुत सारे लोग करते हैं, ये कौन करते हैं? जहां पर भी डेटा हैवी साइट है और जहां पर भी SEO फ्रेंडलीनेस जरूरी है, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, न्यूज वेबसाइट्स हो गए, जहां भी इन तरह के वेबसाइट है जो रिएक्ट से चल रहे हैं, जो कंटेंट हैवी है, वहां पर सर्वर साइड रेंडरिंग जरूरी पड़ जाती है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग को आप ऐसा देख सकते हो जैसे आउटलुक एक ऐप है, जैसे टीम्स है, जैसे स्लैक है, जैसे फिग्मा है, ये सब एग्जांपल्स में आपको सर्वर साइड रेंडरिंग की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहां पर सारा का सारा डेटा क्लाइंट के पास आकर वापस से अच्छे से रेंडर हो सकता है और इसमें SEO की जरूरत नहीं होती, ये कंटेंट है भी नहीं है और ये पर्सनलाइज्ड है बहुत ज्यादा, आपका जो ईमेल है उस पे कोई SEO चलने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए क्लाइंट साइड रेंडरिंग फॉर ऐप एंड सर्वर साइड रेंडरिंग फॉर डेटा हैवी वेबसाइट्स इज व्हाट वी गो विथ व्हेन वी आर यूजिंग रिएक्ट। ये समझना और समझा पाना एक इंटरव्यू में बहुत जरूरी है। एक और एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेफ्स क्या है रिएक्ट में। देखो रेफ कुछ खास नहीं है, बस सिंपल चीज है कि रिएक्ट एक अपना डॉम बनाता है और उस डॉम को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हो, आपको उसमें जो भी चेंज करना होता है आप उसे स्टेट या प्रॉप्स के थ्रू करते हो, डेटा के थ्रू करते हो, ना कि डायरेक्टली एक्सेस करते हो। लेकिन कहीं कहीं जैसे कि एक इनपुट एलिमेंट पे फोकस लाने की चीज है, कहीं कहीं आपको उसको डायरेक्ट एक्सेस करने की जरूरत पड़ जाती है, उन केसेस में रेफ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेफ आपको एक डायरेक्ट एक्सेस दे देता है। समझिए कि जैसा गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है ना, उस तरह का एक डायरेक्ट एक्सेस आपको मिलता है जिससे आप उस डॉम एलिमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर। ये जो है नहीं यूज किया जाता है, जितनी ज्यादा हो सके कोशिश की जाती है कि रेफ का यूज नहीं हो किसी कोड बेस में, अनलेस वो एक्सेप्शन हो और आपको उसकी जरूरत पड़ रही हो। लेकिन ये एक्सेप्शन समझना और उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है इंटरव्यूअर के लिए। एक और एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं कि रिएक्ट फाइबर क्या है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता और बहुत अच्छे से इसको समझाया जा सकता है, लेकिन मैं संक्षेप में पहले समझाता हूं आपको। रिएक्ट फाइबर के पहले क्या होता था कि जब वर्चुअल डॉम बनता था और डिफिंग होती थी तो पूरा का पूरा वो डिफिंग साइकिल एक बार में चलता था। इसका क्या प्रॉब्लम था कि वो जो डिफिंग साइकिल चलता है वो सीपीयू इंटेंसिव होता है, तो सीपीयू ब्लॉक हो जाता था उस चक्कर में। रिएक्ट फाइबर ने क्या कहा कि जो डिफिंग चला रहे हैं वो एक एक करके एक एक नोड पे चलाएंगे और उसको पार्ट पार्ट में तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको एक एक फाइबर में चला सकते हैं। फाइबर आप समझते हो क्या होता है, एक धागा होता है, तो एक कपड़ा जो बनता है, अगर आप सोचो कि व्यू एक कपड़ा है तो उसके अलग अलग धागे से वो व्यू बना हुआ है। इन्होंने ऐसी इंजीनियरिंग की कि जिसमें एक एक धागे का डिफिंग एक बार चलाए और जाकर ये भी देखे कि अगर मेरा सीपीयू ब्लॉक दे तो कहीं कोई यूजर एक्शन तो ब्लॉक नहीं है। तो पहले ऐसा होता था कि अगर डिफिंग चल रही है और यूजर कहीं पे क्लिक करता है तो वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता था, उस क्लिक को थोड़ा समय लगता था। ऐसे केसेस आपको देखने नहीं मिलते थे क्योंकि डिफिंग इतना भारी होता नहीं था, बट कुछ हैवी केसेस में ये बहुत ही ज्यादा विजिबल हो जाता था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, रिएक्ट 16 में पूरा का पूरा रीराइट किया जो कोर इंजन है, और उस कोर इंजन को रीराइट करके इन्होंने ये समझाया, ये दिखाया कि देखो हम एक एक करके कर रहे हैं तो अब जो है यूजर का जो एक्शन है वो कहीं भी ब्लॉक नहीं है, वो पूरा का पूरा डिफिंग नॉन ब्लॉकिंग हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं बहुत एक बड़ा वीडियो भी बनाना चाहता हूं। अगर आप लोगों को मजा आया है तो जरूर से कमेंट बता दीजिएगा कि रिएक्ट फाइबर पे भैया हमें अच्छे से समझा दो, हमें अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर सिंथेटिक इवेंट्स इन रिएक्ट। सिंथेटिक इवेंट्स भी बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट इसको समझा जा सकता बहुत आसानी से। अलग अलग ब्राउजर जो होते हैं वो इवेंट मैनेजमेंट अलग अलग ढंग से करते हैं, बट रिएक्ट के साथ सबसे बड़ा फायदा क्या, जो jQuery के साथ भी, जिसने jQuery को बहुत फेमस बनाया था, वो रिएक्ट के साथ भी, कि वो हर ब्राउजर पर एक जैसे API के साथ काम करता है। अलग अलग ब्राउजर के लिए आपको अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। रिएक्ट इवेंट डेलीगेशन के थ्रू इस चीज को करता है, और जो आप क्लिक कर रहे हो ना, तो जो आपका क्लिक इवेंट है वो डायरेक्ट ब्राउजर में ना जाके रिएक्ट के पास जाता है, इसीलिए इसको सिंथेटिक इवेंट बोलते हैं। और सिंथेटिक इवेंट में वो सारे के सारे
APIs हैं जो नॉर्मल इवेंट में होते हैं, तो आप इवेंट और टारगेट वगैरह वगैरह सब कुछ कर सकते हो, बट React इस इवेंट को खुद हैंडल करता है और फिर ब्राउजर को देता है, इसीलिए हर ब्राउजर पे एक जैसा इवेंट सिस्टम चल पाता है। एक क्वेश्चन लोग और पूछते हैं इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन कि हुक्स क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। देखो हुक्स का सिंपल सा चीज है कि हुक से जो आपका स्टेट लॉजिक है वो रीयूजेबल हो गया, वो टेस्टेबल हो गया, वो कंपोनेंट के बाहर निकाला जा सकता है और बाकी सारे कंपोनेंट्स में उसको टेस्ट किया जा सकता है। तो आप लॉजिक को अब कंपोनेंट में लॉक करने की जरूरत नहीं है, स्टेट लॉजिक को। ये चीज से बहुत फायदा हुआ क्योंकि अब आप हुक्स को भी एज अ लाइब्रेरी पब्लिश कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे हुक्स की लाइब्रेरी है। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हुक्स डिड वाज कोड रीयूज और कंपोजेबिलिटी दोनों बहुत अच्छी हो गई। इसके अलावा एक मेंटल मॉडल में भी चेंज हुआ। रिएक्ट हमेशा से फंक्शनल प्रोग्रामिंग मॉडल में था, लेकिन उसमें जब आपको स्टेट लगाना होता था तो आपको क्लास बेस्ड मॉडल में जाना पड़ता था। इसमें क्या हुआ कि अब सब कुछ फंक्शन है, कोई क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं है, तो आपका मेंटल मॉडल बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया हुक के कारण। देखो अगर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग और ऐसे कई सारे वीडियोस आपको चाहिए जो आपको जॉब तक ले जाए, तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। जो भी कॉन्सेप्ट आपको टफ लगा है उस पर मैं ड्रॉ करके एक पूरा का पूरा वीडियो बना सकता हूं। आप बस कमेंट करो कि कौन से कॉन्सेप्ट पे फुल वीडियो चाहिए।